देखिए, अगर आपके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं और आप बहुत अमीर भी बनना चाहते हैं, तो एक बात आपको समझनी होगी कि आपको रियलिटी से रूबरू होना पड़ेगा। आप उन वीडियोस को देखकर इन्फ्लुएंस मत होइए जिसमें एक बंदा अपनी बड़ी सी कार लेकर आता है और दिखाता है कि मैं महीने में कितने रुपए कमाता हूँ, कितने लाखों रुपए कमाता हूँ, कितने करोड़ों का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। All fancy houses they will show, they will go to Burj Khalifa and show you कि see how much I am earning and all these things you can also earn. See, आप advertise देखकर अगर decision लेते हैं तो always chances are there you may take a wrong decision. अब मैं आपको reality से रूबरू कराना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत success पाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हर किसी का बड़ा dream होना चाहिए life में, हर किसी का बड़ा goal होना चाहिए। बिना goal और dream के तो life बेकार ही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं ड्रीमर्स को, गोल सीकर्स को, जो बहुत बड़े ड्रीम्स और बहुत बड़े सपने लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें रियलिटी से रूबरू होना चाहिए कि इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। आप कोई फैंसी वीडियो देखकर ये मत सोचिए कि रातों रात सक्सेस मिल जाएगी आपको, आप भी उनकी तरह मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी में घूमने लगेंगे। आप जरा समझिए कि अगर आप अभी एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत ऑर्डिनरी लेवल पे आप कर रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं वो ऑर्डिनरी पीपल वाली हैबिट्स हैं, राइट? आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सैटरडे मूवीज देखने जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, दीज आर ऑल ऑर्डिनरी पीपल हैबिट्स, है ना? दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं, वेब सीरीज निपटा रहे हैं, ये सब हैं ऑर्डिनरी पीपल की हैबिट्स। तो आप उन हैबिट्स के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्डिनरी लाइफ अभी जी रहे हैं, राइट? अब आपके सपने और गोल्स तो बहुत बड़े हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट यू आर नॉट चेंजिंग योर लाइफ पैटर्न, लाइफ हैबिट्स यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ। तो आप कितने ही बड़े सपने देख लें, कितने ही बड़े गोल रख लें, आप उन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, एम आई राइट? क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ आपको जीनी है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट डेवलप करना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाएंगे। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज इट इज, आप जो बोएंगे वही काटेंगे, राइट? ऐसा तो है नहीं कि आपने आम का बीज बो दिया और आप वेट कर रहे हैं कि यार इसमें सेब उगेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर ऑल्सो। तो आज से आप समझिए कि आप अगर कुछ भी बड़ा गोल लेकर बैठे हुए हैं, बड़े सपने हैं आपके, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, अपना माइंड सेट चेंज करना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, आप जो जीने का तरीका है वो पूरा पूरा आपको बदलना पड़ेगा, एम आई राइट? अब जरा देखिए, आप जरा गौर करिए कि हमें क्या दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि अमीर लोगों की क्या लाइफ है, कितना रिच है, फाइव स्टार होटल में पार्टीज चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, लड़कियां चारों तरफ हैं, लग्जरी कार्स में हैं, होटल्स में घूम रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, विलास हैं उनके पास, ऑल दीज देयर वेल्थ वी आर शोइंग, बट वी आर नॉट शोइंग द स्ट्रगल बिहाइंड दोज वेल्थ व्हाट दे हैव क्रिएटेड, राइट? वी आर नॉट शोइंग दोज स्ट्रगल्स, वी आर शोइंग All the wealthy things which charms us. If you show the struggle, I am telling 90% people will run away. They will close their dreams. They will shut down their goals. Because it's a very tough life. It's a very tough life. The entrepreneur, the businessman, those who are very successful, they are living a very tough life. And they have chosen that. And they enjoy that. You know, tough life is a tough for a common man, right? Tough life is tough for a common man, but tough life is very enjoyable for a extraordinary man. As simple as it is. तो आप अगर बड़ा बनना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक प्रिंसिपल है उसका जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको extraordinary लाइफ जीने के लिए extraordinary sacrifices करने होंगे, extraordinary habits डेवलप करनी होंगी। अब extraordinary sacrifice क्या है? देखिए, ऑर्डनरी जो आदमी होता है, जो कॉमन मैन होता है, वो लाइफ में बैलेंस ढूंढता है कि 8 घंटे मैंने काम कर लिया, अब मैं 4-5 घंटे अपनी फैमिली के साथ भी बिताऊं, मूवीज देखने जाऊं, घूमने जाऊं, 6-8 घंटे की उसे स्लीप भी चाहिए। तो ये है एक नॉर्मल लाइफ जिसमें वो बैलेंस ढूंढता है, वर्क लाइफ बैलेंस। बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइफ में बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई आपको सिखा रहा है कि आप अमीर भी बन सकते हो, लाइफ को बैलेंस भी कर सकते हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। आप लाइफ को बैलेंस ही नहीं कर सकते व्हेन यू वांट टू अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स,
आपको 18 घंटे 20 घंटे अगर काम करना है तो वेयर इज द बैलेंस इन योर लाइफ यू टेल मी। आपको आपकी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, आपको आपकी खुद के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, कई बार आप ढंग से खाना भी नहीं खा पाएंगे। जब एलोन मस्क बोलते हैं कि मैं 22 से 23 घंटे काम करता था, तो आप सोचिए कि व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ दैट गाई, वेयर विल बी द टाइम फॉर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, लव, मूवीज, ऑल दिस एंजॉयमेंट, ट्रैवल, कहां पर होगा उनके पास टाइम। अब मैं बताता हूं कि उनके पास इस चीज का टाइम कहां से आता है। जो काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल अपनी लाइफ में करते हैं, 18 से 20 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं, तो सब कुछ, सारा एंजॉयमेंट उनको उस काम में मिलता है। दे डोंट सीक एंजॉयमेंट आउटसाइड। कॉमन मैन सीक्स एंजॉयमेंट आउटसाइड अदर देन हिज वर्क। समझ गए ना? 8-10 घंटे फैक्ट्री में गए, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो वहां पर गए काम किया और वहां से भागे। आप देखेंगे लोग जब वर्किंग आवर्स क्लोज होते हैं तो दे रन अवे फ्रॉम द फैक्ट्री, दे रन अवे फ्रॉम द ऑफिस एज दे आर इन द जेल। समझ रहे हैं ना? वो काम कैसे निपटा रहे हैं वो ही जानते हैं, क्योंकि उसकी सैलरी उनको मिल रही है। आप सैलरी बंद कर दो, कोई भी काम पे नहीं जाएगा। तो सैलरी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर देम, सो दे आर वर्किंग फॉर दैट एंड दे आर सीकिंग द बैलेंस इन द लाइफ, सो दे आर लिविंग ए कॉमन मैन लाइफ। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दे डोंट सीक बैलेंस इन द लाइफ, दे वर्क एंड सी एवरीथिंग इन दैट वर्क, दे फाइंड एंजॉयमेंट, दे फाइंड एवरीथिंग, फूड, एवरीथिंग, मनी, सक्सेस, सब कुछ उनका वर्क में ही होता है। That's why they get extraordinary success. क्योंकि वो काम ही सब कुछ उनके लिए प्रायोरिटी होता है, एक तरीके से वो काम ही बन जाते हैं। आप उनको और उनके काम को अलग करके नहीं देख सकते। दे आर देयर वर्क। अगर वॉल्ट डिज्नी कार्टून बना रहे हैं, मिकी माउस का उन्होंने कार्टून बनाया, तो वॉल्ट डिज्नी और मिकी माउस आर सेम, दे आर नॉट डिफरेंट। एडिसन इज डूइंग एक्सपेरिमेंट, दे आर सेम। आइंस्टाइन इज डूइंग एक्सपेरिमेंट और सम थ्योरी, ही इज एंड हिज थ्योरी इज सेम। माइकल एंजेलो, पिकासो, दे आर डूइंग पेंटिंग, दे बोथ आर सेम। आप उनके काम से उनको अलग नहीं कर सकते, इतना इन्वॉल्वमेंट रहता है, 100% डेडिकेशन, 100% फोकस, 100% कॉन्सेंट्रेशन, सब कुछ 100% उनका और उनका काम एक ही हो जाता है। अगर माइकल जैक्सन डांस कर रहा है तो यू वोंट सी माइकल जैक्सन, यू विल सी हिज डांस ओनली, बिकॉज डांस एंड माइकल जैक्सन बोथ आर सेम। सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन इफ यू कैन गिव, एंड इफ यू डोंट सीक बैलेंस इन योर लाइफ, यू हैव टू सेक्रीफाइस योर फैमिली, रिलेशनशिप, लव, आपका घूमना फिरना सब बंद, मूवीज वूवीज सब बंद, आपका काम में ही आपका एंजॉयमेंट अगर आप ढूंढने लगेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अन्यथा अगर आप बैलेंस ही करें लाइफ में कि मैं लाइफ अपने वर्क को भी बैलेंस कर लूं, फैमिली को भी बैलेंस कर लूं, अपना एंजॉयमेंट भी देख लूं, तो आप एक कॉमन मैन की लाइफ जी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ आप जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए यू हैव टू मेक सैक्रीफाइसेस, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। आपको अपने काम में ही सब कुछ ढूंढना पड़ेगा, आपको पूरा 100% डेडिकेशन 24/7 अपने काम में ही लगना पड़ेगा। एंड द मोमेंट यू अचीव द सक्सेस, द मोमेंट यू अचीव योर गोल, योर ड्रीम्स, देन यू कैन स्प्रेड योर टाइम्स अकॉर्डिंगली योर चॉइस। तब तक आपके पास कोई चॉइस नहीं है बिना काम में डूबे 24/7। बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस लगते हैं दोस्तों। एडिसन, जो इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, अब तक 1000 से ऊपर पेटेंट्स उन्होंने करा रखे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि अभी तक वो 1000 पेटेंट्स करा सके। एक इंसान ने इतने पेटेंट कराए हैं उनकी। अगर आप, हम हमेशा सक्सेसफुल लाइफ सुनते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे, इतने सारे नए नए इनोवेशन लेकर आए हैं, लेकिन कभी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी ने पढ़ा? अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि हाउ मच सेक्रीफाइस ए ग्रेट पर्सन डज। उनकी बीवी, पहली बीवी मर गई, दूसरी बीवी बीमार थी, देखने नहीं गए, बच्चे ने सुसाइड की कोशिश करी, नहीं पता, वो पूरे टाइम लैब में ही अपना बिताते थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो सेक्रीफाइसेस आपको देने ही पड़ेंगे। अभी क्या होता है, आप ऑफिस गए, घर से फोन आ गया कि बच्चा बीमार हो गया, आप तुरंत काम वाम छोड़ा, आप भागे। सो वर्क इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। कॉमन मैन लाइफ में उसकी वर्क उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फैमिली, रिलेशनशिप, इसलिए वो एक लिमिटेड ग्रोथ में ही रह जाता है बस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो नहीं कर पाता। और ये नेचर का नियम है कि आप अगर स्पिरिचुअली बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअली बैलेंस आप लाइफ को कर सकते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिक लाइफ जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना सक्सेस, उसके लिए आपको अपना बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। देयर इज नो सच थिंग फॉर मटेरियलिस्टिक लाइफ लाइक बैलेंसिंग योर लाइफ। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़ जाइए लाइफ स्किल्स कोचिंग करियर गाइडेंस के लिए। आपके कुछ डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। होप
गोल सीकर्स ड्रीमर्स के लिए ये वीडियो काम में आएगा, और इससे अगर उन्होंने कुछ सीखा तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने सपनों को पंख लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।